हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल बाय ऑलवेज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरी एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राइट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स मेरिकल एंड अबेंस क्या आने जा रहा है सो so, हमेशा ही हम लोगों को इंतजार रहता है कि हमारे जिंदगी में ऐसा खास कुछ हो जाए जिससे हमारी जो जिंदगी है जो कंटिन्यूस जो हम मेहनत करते रहते हैं हम स्ट्रगल्स करते रहते हैं हमारे पास जो चीज नहीं होते है वो हमें चाहिए होता है सो so, वो चीज हमारे पास आ जाए इनफैक्ट चाहे जितना भी हम लोग स्पिरिचुअल हो राइट सो बेसिकली वी नीड समथिंग राइट टू सरवाइव बेसिकली सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है ताकि आप अपने जिंदगी अच्छा से जी पाओ कामयाबी हो जाए ठीक है

क्या हो सकता है यूनिवर्स पे गाइस प्लीज गाइड करें ऑल ऑफ अ सडन ओके सो वी डू हैव ऑन द ट्रैक दिस इज द वन ऑफ स्क्रोल्स ओके यहां पे है सेवन ऑफ रोजेस वी डू हैव फोर ऑफ कीज यहाँ पे है सेवन ऑफ कीज़ यहाँ पे है इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन वी डू हैव द एट ऑफ फोर्सेस बॉटम ऑफ द वी डू हैव द दल ऑफ डेल्फी आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा सेवन सेवन फोर फोर इलेवन फोर्टी फोर इलेवन फिफ्टी फाइव इलेवन इलेवन आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्टीन 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 फोर्टी वन इस तरह से भी हो सकता है एट नंबर कैन ऑल्सो भी वेरी मच सिग्निफिकेंट ओके सो यहाँ पे है एक्वेरस जेमनाई एंड लीब्रा को मिथुन तुला राशि यहाँ पे है वी डू हैव कैंसर पाइश एंड स्कॉर्पियो कर् ऋषिक और मीन राशि यहाँ पे है टॉरस वो कैप्रिकॉन यहाँ पे है सजिटेरियस वी डू हैव एरीज लियो एंड सजिटेरियस वी डू हैव जेमनाइ ठीक है इसके नीचे है हाईफिस्टिस की कार्ड विच इज द कैशिक लाइब्रेरी अभी हम क्या करते हैं हम और भी कार्ड्स को देखते हैं एंड डेफिनेटली हम फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं सो लेट्स सी मोर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास क्या आ सकता है सो वी डू हैव द लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप द रिवर्ड्स वाव दिंग आईज यहां पर है हाई प्रीस्ट ओके यहां पर है शावलिन मास्टर यहाँ पे है फायर गार्जन यहां पे है शील्ड मेडन यहाँ पे है हार्ट गार्जन Bottom of the deck, we do टैग ट्रस्ट देखो मुझे इस तरह से महसूस जरूर हो रहा है कि आपके जीवन में बहुत दिनों से जो आप लगातार कोशिश करते जा रहे हैं लगातार कोशिश ही करते जा रहे हैं लेकिन शायद आपको अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अड़चने बहुत सारे जो रुकावट है ये अननेसेसरीली आपके रास्ते पे आ रहा है लेकिन मुझे आप इस तरह से दिख रहा है आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है आपकी जो कॉन्फिडेंस है आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है हो सकता है कि आप बेसिकली क्या होता है ना कि लोग अच्छा काम तो कर लेते हैं लेकिन डर जाते हैं उसको प्रेजेंट करने में ठीक है सपोज आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन लिया और आपको बोला जा रहा है कि देखो आप आपको ना स्टेज के ऊपर बोलना पड़ेगा ये सारी चीज तो आप ना हो सकता है कि घबरा जाते थे पहले सो so, मुझे आप इस तरह से दिख रहा है यू विल हैव फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वट आई कैन सी इन योर आईज एंड डेफिनेटली आपके जो मजबूती है वो रंग लाएगा इस मजबूती ठीक है ये जो लकड़ी है राइट इसको हटा देगा और आपके रास्ते जो है वो क्लियर होंगे आपको समझ में आ रहा है ना आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल जरूरी नहीं की लकड़ी आ जाए आपके सामने ऑब्वियसली ये जो कपल है ये लकड़ी ये लकड़ी यहाँ पे आया और ये रास्ते से ही जा रहे हैं ठीक है थीके? ये सीन मुझे वो हमेशा ही 1920 वाला जो एक मूवी था जो एविल एनर्जीज के ऊपर बेस्ड था उस तरह से कि वो जा रहे थे और रास्ते पे रुकावट आ रहे थे रास्ते के पे रुकावट क्यों आते हैं बिकॉज इविल एनर्जीज डोंट वॉन्ट यू टू प्रोग्रेस ठीक है ऑपोजिट फोर्सेस आएंगे ही ठीक है सो बेसिकली आप अपने जो शक्ति है आप अपने ही अंतरात्मा जो है आपके आपके इंट्यूशन से आपकी साइकिक अवेयरनेस से आपके जैसे बोला जाता है ना कि कान खोलकर लोगों को काम करना चाहिए आंखें खोलकर और कान खोलकर काम करना चाहिए

इंफॉर्मेशन जो आपको उस मुकाम पर जरूर पहुंचाने वाले हैं हो सकता है कि कुछ किताब आपको नहीं मिल रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था बहुत सारे एक्सपेंसिव किताब हैं उसको पढ़ के अभी मतलब क्या है तो वो सारे चीज़ हो सकता है कि आपको एफोर्डेबल रेट में मिल जाए घर ना घर पर कोचिंग सेंटर में भी आप इनरोल हो रहे हो, हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन आपके लिए इस तरह से अपॉर्चुनिटी है कि आपको थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाए तो उस तरह का प्रोग्राम में मैं आपको शामिल होता हुआ देख रही हूँ जहां पर ईदर तो वो एक फ्री होगा स्पॉन्सरशिप होगा एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारा ज्ञान भी आप डेफिनेटली आएगा ठीक है इससे क्या होगा आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा आप इजिली आप एलिजिबल हो जाएंगे उस जॉब को पाने के लिए जो इतना दिन से आप ट्राई कर रहे थे एंड फॉर अ स्पेशल जॉब यू हैड बिन वेटिंग सो आप जो डिसाइड कर चुके हो कि मेरा ये लाइफ का डिरेक्शन है मैं इस लेवल पर जाऊंगा इस लेवल पर जाऊंगी उससे ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट ऑल ऑफ अ सडन यू आर लाइक हैविंग दैट मैजिकल एबिलिटी एंड द स्किल ताकि आप सारे चीजों को अपने और आकर्षित कर रहे हो सो यू आर डूइंग हार्ड वर्क एंड यू आर गेटिंग सक्सेस ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है आप मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस मिलेगा विद इन सेवन डेज और सेवन वीक्स आप बोल सकते हैं या सेवन आप बोल सकते हैं है। आवर्स के अंदर कुछ ऐसा चीज आपके लिए मैसेजेस आ जाए जो आप बेहद खुश होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा जो आपको कमजोर बनाता है वो है दिल के मामले दिल के मामले के सामने आप हार जाते हो वो चीज नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बी कीपिंग ए साइड फॉर सम ऑफ यू नॉट एवरी वन फॉर सम ऑफ यू विल कीप ए साइड योर लव रिलेशनशिप मैटर्स रोमांस रिलेटेड मैटर्स और आप अपने काम को सफलता प्राप्त होते हुए देखोगे यहाँ पे जो चीज है वो भले ही एक एपल है बट देर इज स्टार एनीज यहाँ पे स्टार एनीज रिप्रेजेंट्स हेल्थ प्रॉस्पेरिटी सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगा आपने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेहनत करके जो चीज़ें आप ऑलरेडी बुनियाद जो बना चुके हो उससे आपका फल ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन वट एवर यू हैड थाट जो भी आपने सोचा था इससे बेटर होगा लोग अच्छा जगह पे जाने के लिए या लोग अपने काम पे पहुंचने के लिए या कुछ भी हो हो सकता है कि वो शॉर्टकट अपनाते हैं लेकिन आपने कभी नहीं अपनाया या अगर अपनाया भी होगा तभी भी आपने मेहनत बहुत ज्यादा किया हुआ तो उसका जो है फल जो है वो आपको मिल के रहेगा इट इज नॉट लाइक दैट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिजल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आप बहुत कुछ चीज फाइट कर रहे थे बहुत दिनों से और आप उस विरोधी पक्ष के लिए कर रहे थे या उस एनिमी के अगेंस्ट में कर रहे थे जिन्होंने आपके नाम पर इल्जाम लगा दिया या र्यूमर्स फैलाया सो so यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर विनिंग एनी टाइप ऑफ कोर्ट बैटल बट फिर भी आप एक बहुत अच्छा लॉयर के साथ कंसल्ट करना अगर आप खुद एक लॉयर है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने

फैन फॉलोइंग बोलो कहीं ना कहीं पे आपका एक पॉपुलैरिटी बोलो ठीक है आप लोग आपको रेस्पेक्ट दे आप ये चाहते हो ये चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट ये किसी की ब्लेसिंग के वजह से हो रहा है गाइडेंस के वजह से हो रहा है और आप उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो इसलिए वो हो रहा है ठीक है और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप भरोसा करना और भी यूनिवर्स के ऊपर सीख रहे हो उससे क्या हो रहा है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जितना आप भरोसा करोगे यूनिवर्स भी उतना ही आपको वो रिटर्न देते हैं आपका भरोसा बंद हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा नहीं मुझे कुछ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आपको अगर आपने ऐसा सोचा है भी दैट इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स कि मुझे मिलेगा मैं वहाँ पे हूँ शायद तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है इंस्टेंट मैगी के तरह बट मुझे मिलेगा जरूर सो so, वो हो रहा है यू आर हैविंग द फेथ एंड डेफिनेटली यू आर रिसीविंग लास्ट में हम देख लेते हैं कि ऑब्वियसली आपके लिए क्या है अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप क्या रिसीव करने वाले हैं आप क्या प्राप्त करने वाले हैं यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज गाइड करें सो वी डू हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल मैंने आपको कहा था कि आप अपने लक्ष्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं इसलिए मैंने आपको बताया वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग डोंट लेट यूर पास होल्ड यू बैक साउथ नॉर्थ केतु सो यहाँ पे क्या है ना केतु इज वेरी डीप वेरी स्पिरिचुअल लाइक बेसिकली अगर आपके साथ किसी के बॉन्ड था और आप ऐसा सोच रहे थे कि वो स्पिरिचुअल बॉन्ड है बट यहाँ पे देखो एक जाली यहाँ पे है एक नेट यहाँ पे है पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं ये जो नेट है ये जो जाली है वो एक ट्रैप था आपको फंसाने के लिए वो एक इल्यूशन था वो एक हेलुसिनेशन था और जब आप उसको समझ गए ना तब आप उसको भूल ही नहीं पा रहे और आप ऐसा लग रहा है कि क्यों 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 मेरे साथ ऐसा हुआ मैंने तो कुछ बिगड़ा बिगाड़ा नहीं है सो दैट वॉज अ कर्मा सो प्लीज कीप इट साइड मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो वट वेरी सॉरी सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल बट यू कैन नॉट यू नो आप नहीं कर पाओगे अगर आप अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ रहे हो मैं बहुत साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलती हूँ ना इसलिए आपको गुस्सा आ सकता है कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है लेकिन मैम यदि आपके अच्छे के लिए ही बोल रही है वर्क थ्रू योर फ्यर्स न्यू मोन इन स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो इज अ साइन विच शोज सो मच करेज सो मच एंथ सो मच बोल्ड एंड वेरी डिटरमाइंड सो बेसिकली आपके अगर कुछ डर है कि अगर मैं ये कुछ बोलूँ तो वो ऑफेंड हो जाता है ये कुछ बोलूँ तो वो ऑफेंड हो जाता है मैं आपको ये चीज बताती हूँ आप बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम सेटिस्फाई नहीं कर सकते उनके मुताबिक नहीं चल सकते और उनको कभी भी आप जितना भी करेंगे ना उनके लिए उतना ही वो कंप्लेन करते रहेंगे सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर ओन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज एट द सेम टाइम अंडरस्टोड सरेंडर टू द डिफाइन यहीं पर आ जाता है सबसे बड़ा बात कि हम क्या करें ठीक है हम क्या करें आप क्या करें वो है अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है आप लगातार प्रयास करते जा रहे हैं मुझे लगता है मिल ही जाएगा लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पता नहीं क्या होगा मैंने जो डिसीशन लिया वो नहीं हो भी सकता है वो गलत है जस्ट से सरेंडर टू द डिफाइन जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि जैसे बोला जाता है कि जो भी आप करो ठीक है भगवान के चरण पर समर्पित कर दो और देखो कि उनका क्या है प्लान हो सकता है हमारा प्लान हमारे फेवरेबल में नहीं रहता है इसलिए वो हमें करने नहीं देते हैं उनका प्लान उनके मुताबिक करने दो ठीक है वो सब कुछ सही कर देंगे कभी कभी हमारा का हमारा प्लान डेफिनेटली वर्कआउट कर जाता है कभी कभी उनका प्लान वर्कआउट करता है क्योंकि हमारा प्लान हमारे लिए काफी डेंजरस है जैसे बोला जाता है ना करो मत यथ सकलम परस में नारायण आती समर सो so नारायण जो है मतलब गॉड द सो यू सरेंडर नारायण आती समरपयामी सो आई शुड समर्पण मतलब आई शुड सरेंडर टू द डिवाइन सो दिस इज ऑल रीडिंग टू आई होप you like it and if you like please do share and subscribe thank you so much for being with me love you a lot take care of yourself and